गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन गुड़ियाणी। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास का 7th चैप्टर। 7th चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 7B। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7A कंप्लीट कर ली थी। तो जो ये एक्सरसाइज है अपनी, वो वर्ड प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर क्या है कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन है, उसको रीड करके अंडरस्टैंडिंग करके हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेटर ऑफ टू नंबर, यानी कितने नंबर है, टू नंबर, ईच क्या है 12 मोर देन द स्मॉलर, यानी 12 है वो मोर देन होगा स्मॉलर नंबर से। एंड द सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ द टू नंबर क्या है, वो अपने पास 10 है। फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि लेट द, हमने स्मॉलर नंबर हमने लेट किया, वो क्या हमने x, तो अपना ग्रेटर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 12, क्योंकि जो अपना ग्रेटर नंबर है वो स्मॉलर से कितना मोर है, 12 मोर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। उसने बोला है कि दोनों नंबर जो टू नंबर है उनका सम क्या अपने पास 10 है। ये हमारा फर्स्ट यानी स्मॉलर नंबर, ये हमारा ग्रेटर नंबर, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 10। यहां वेरिएबल को ऐड करेंगे, 12 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो साइन किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहां पर क्या है प्लस का। 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा यहां पर, माइनस के 2। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। ये अपना क्या स्मॉलर नंबर है। अब यहां पर हम लिखेंगे स्मॉलर नंबर कौन सा अपना, माइनस 1, एंड ग्रेटर नंबर वो अपना आ जाएगा एक्स प्लस 12 था, यहां पर एक्स की वैल्यू माइनस 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 11। ये अपने क्या है आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चनों को सोल्व करना है, सिर्फ आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और अंडरस्टैंडिंग करनी है, समझना है कि उसमें क्या बोला गया है, उसके बिहाफ पे हम अपनी क्वेश्चन को बढ़ाएंगे और फिर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, वन नंबर इज क्या है 5 टाइम ऑफ अदर, इफ द 18 इज द सबट्रैक्ट फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर, द रिमाइंडर विल बी 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर। यहां पर हमें नंबर ही फाइंड करने हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो गिवन है उसके भी आप हम लिख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, लेट द, हमने स्मॉलर नंबर लेट कर लिया, वो क्या कर लिया हमने x, जो दूसरा नंबर है यानी ग्रेटर नंबर होगा वो स्मॉलर का 5 टाइम होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है 5 टाइम्स है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, 5x कितना सब्ट्रैक्ट करना है हमें ग्रेटर में से 18 को, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ स्मॉलर नंबर। अब हमें यहां पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 18, 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 2, 9, x इज इक्वल टू आया 9। यहां पर अपना स्मॉलर नंबर है 9 एंड ग्रेटर नंबर है अपने 5x है, वो 5 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 45। 9 और 45 अपना क्या है आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। क्वेश्चन थर्ड ट्राई योरसेल्फ के लिए है। क्वेश्चन फोर्थ, डिवाइड 534 इंटू द थ्री पार्ट, थ्री पार्ट में हमें डिवाइड करना है इस डिजिट को, सच दैट सेकंड पार्ट विल बी 32 लेस देन ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, द थर्ड पार्ट बी 18 मोर देन द फर्स्ट पार्ट। यानी जो गिवन है उसके भी आप हमने लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमने फर्स्ट पार्ट को माना एक्स, सेकंड हो जाएगा अपना ट्वाइस ऑफ फर्स्ट और लेस देन कितना है 32, वो हमने क्या कर दिया इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। थर्ड है अपना x प्लस 18, क्योंकि फर्स्ट से वो 18 मोर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन
तीनों को हमें सम करना है। वो किसके बराबर आना चाहिए? 534 के। अब इनको ऐड कर लेते हैं, तो 4x और इसमें से 6, 6, 5 minus 18। अब 566 में से हम 18 को माइनस करेंगे, 8 ये आएगा। यहां पर हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 548 डिवाइड बाय 4, 1, 3 और 7। x की वैल्यू आई 137, यानी अपना फर्स्ट पार्ट क्या आया 137, सेकंड पार्ट ट्वाइस ऑफ और माइनस क्या कर देंगे 30। ये आप ट्राई करना और थर्ड पार्ट हो जाएगा अपना x प्लस 18 था तो 137 हम 18 प्लस करेंगे तो अपना थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये अपने आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ आपके लिए ट्राई योरसेल्फ है, जैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व किया था वैसे ही करना उसको। सिक्स क्वेश्चन, वन नंबर इज 7 मोर देन अनदर नंबर, इट्स स्क्वायर इज क्या है 77 मोर देन द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, व्हाट इज द नंबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो हमारा, हमने मान लिया कि स्मॉलर नंबर हमारा x है, ग्रेटर नंबर क्या आ जाएगा उससे 7 मोर देन है, तो x प्लस 7। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो फर्स्ट स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किस में ऐड कर देंगे हम 77 में, इज इक्वल टू आ जाएगा कि x प्लस 7 का स्क्वायर यानी ग्रेटर नंबर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसको सोल्व करते हैं हम, यहां पर होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 49 करेंगे, यहां पर 14x, x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से बच जाएगा 28, 14x, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, तो अपना स्मॉलर नंबर हो जाएगा 2 एंड ग्रेटर नंबर हो जाएगा अपना 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, दैट इज ए आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन 8, द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन द न्यूमरेटर, ये गिवन है 5 एडेड द बोथ पार्ट द रिजल्ट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4/5, फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन को फाइंड करना है। तो हमने न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन मान लिया x, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन हो जाएगा x प्लस 3, क्योंकि 3 क्या है मोर देन है न्यूमरेटर से। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब उसमें क्या करना है, हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 5 ऐड करेंगे, तो x प्लस 5 अपॉन x प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 4/5 के। तो अब इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 5 अपॉन x प्लस 8 इज इक्वल टू 4/5। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x प्लस 32 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 32 माइनस 25 x इज इक्वल टू 7, यानी अपना न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर आ जाएगा अपना 10। तो ये अपना क्या हो गया फ्रैक्शन, ये अपना क्या आंसर। इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन 10, द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज कितना है 7 है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द इंटरचेंजिंग द डिजिट
एक्सीड टू द ओरिजिनल नंबर बाय कितना हो जाएगा एक्सीड 27. फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है. तो लेट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द यूनिट प्लेस पे हमने मान लिया x, तो 10 के प्लेस वो होगा 7 माइनस x. अब अपनी ओरिजिनल नंबर बनेगा 10, यानी 10 की जो प्लेस वैल्यू है उसको हम क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और प्लस क्या करेंगे 1 लिखेंगे. तो इनको सोल्व किया था, हमारे पास आया 70 माइनस 9x. अब हमने क्या कर दिया, उस नंबर को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया. यानी अब क्या कर दिया हमने, जो यूनिट प्लेस वैल्यू थी उसको हमने टेंस प्लेस वैल्यू बना दी, और जो टेंस प्लेस वैल्यू थी उसको हमने यूनिट प्लेस वैल्यू बना दी. तो यहाँ पर हमने लिखा, तो ये 10 की प्लेस वैल्यू थी, तो इसको हमने क्या बनाया, जो 1s की प्लेस वैल्यू थी उसको 10s की प्लेस वैल्यू, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया कि हमने यूनिट की प्लेस को, यानी इसको हमने यूनिट बनाया आफ्टर चेंजिंग द डिजिट. तो यहां से अपने पास आया 9x प्लस 7. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या, अकॉर्डिंग जो हमारी ओरिजिनल है जो इंटरचेंजिंग हुआ है, तो वो कितनी एक्सीड हुई है, ओरिजिनल 27. ओरिजिनल में हम क्या करेंगे, 27 को ऐड कर देंगे, वो किसके इक्वल होगी, जो इंटरचेंज करने के बाद आई है उसके बराबर. तो 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 70 माइनस 9x प्लस 27. तो अब क्या करेंगे हम, 9x प्लस 9x इज इक्वल टू 27 प्लस 70 प्लस 27 प्लस 7 माइनस 7 हो जाएगा यहां से, और ये हो जाएगा 80. यहां से कितना हो जाएगा 90. x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 5. अब अपनी यूनिट प्लेस की वैल्यू आई है 5, तो अपना ओरिजिनल नंबर क्या था, 70 माइनस 9x. तो यहां पर हम लिखेंगे ओरिजिनल नंबर, वो अपना था 70 माइनस 9x. यहां पर x की वैल्यू रख देंगे, क्या कर देंगे 45 आ जाएगा. 45 इसी से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. माइनस 45 करेंगे कितना आएगा 20. तो अपनी जो नंबर है वो कितना है 25. यही क्या अपना आंसर. इस टाइप से आपको 10th क्वेश्चन को सोल्व करना था. 12th क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफरेंट था कि इसमें डिजिट को चेंज करना था. क्वेश्चन 11, सुषमा इज नाउ 15 ईयर ओल्ड एल्डर देन विजय, बट इन 3 मोर इयर्स She will be 8 times as old as Vijay was 3 years ago. How old are they now? अब उनकी हमें क्या बतानी है, प्रेजेंट एज बतानी है. और ये जो गिवन है, जो विजय से कितनी है सुषमा, 15 ईयर बड़ी है, और उसके 3 टाइम्स क्या है, 3 मोर, यानी 3 मोर ईयर्स वो कितनी है, 8 टाइम्स एज द विजय की जो प्रेजेंट ना जो एज है उसके, और 3 इयर्स एगो की है. तो यहाँ पर हमने लिखा प्रेजेंट एज ऑफ द विजय एक्स लिख दिया, प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ सुषमा क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 15, क्योंकि वो 15 ईयर विजय से क्या है, बड़ी है. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या है ये अपनी क्या है, विजय सुषमा की है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 इयर्स एड करेंगे, इज इक्वल टू एट इंटू एक्स माइनस 3. अब इसको क्या करेंगे हम, x के लिए सोल्व करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 18, यहां पर 8x माइनस के 24. तो यहां से हम लिख लेते हैं 8x माइनस x इज इक्वल टू 24 प्लस 18. तो यहां से 7x, यहां से हो जाएगा 42. तो यहां पर अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी 6.
विजय की प्रेजेंट एज है 6 ईयर है, तो सुषमा की हो जाएगी हमारे पास x प्लस 15, 6 प्लस 15 इजिकल टू 21 ईयर्स ओल्ड। ये क्या अपना आंसर, यानी जो 12th क्वेश्चन है वो आपके लिए ट्राई योर सेल्फ है। फोर्टीन क्वेश्चन, 4 × x − 2 मीटर रोप यूज द फैंस द रेक्टेंगल इनक्लोजर्स, यानी जो शोन है इन द फिगर, यानी जो फिगर में गिवन है, फाइंड हमें x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। जो फिगर यानी एक रोप है उसको इस तरह से उनको मोड़ा गया, यानी इस तरह से उसको बंद किया गया है कि उसने रेक्टेंगल की क्या ले ली, शेप ले ली। तो यहाँ पर उसकी लेंथ गिवन है 25 मीटर और ये जो 225 मीटर स्क्वेयर है वो इसका क्या है, एरिया। तो हमने इसकी ब्रेथ मानी रेक्टेंगल की एक्स, लेंथ अपने पास गिवन है 25 मीटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना गिवन है, 225, और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय 25, 1 जा और 9 जा, x की वैल्यू आई 9। ये x की वैल्यू नहीं है, हमको इसका यूज करना है जो गिवन है। तो यहां पर हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कितना गिवन है अपने पास, 4 × x − 2, और पेरीमीटर क्या होता है, 2 times ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ का 2। तो अपनी लेंथ है 25 + 9 इजिकल टू 4x − 8। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहां से 50 + 18 इजिकल टू 4x − 8। अब क्या करेंगे, इसको 68 4x − 8 को इधर लेके आएंगे तो 4x प्लस कितना हो जाएगा, 76। x की वैल्यू आएगी यहां पर 90। ये क्या अपना आंसर, इस टाइप से आपको सोल्व करना था 14 क्वेश्चन। और जो 13 क्वेश्चन है वो सेम किसकी तरह है, इसमें हमने रेक्टेंगल पर काम किया है, और जो 13 क्वेश्चन है वो स्क्वायर का है, तो आपके लिए ट्राई हो सेल्फ है। क्वेश्चन 17, 2 cars लीव दिल्ली एट द सेम टाइम ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ द एवरेज स्पीड इज 5 किलोमीटर मोर देन द अदर, दे आर 425 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ द 5 आवर्स। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है दोनों कारों की। तो पहले हम मानते हैं स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार की है वो हमने ली x किलोमीटर, सेकंड कार के लिए हमने x प्लस 5 किलोमीटर ली है। तो ये 5 कहाँ से आया कि मोर देन, यानी दूसरी कार है वो फर्स्ट कार से 5 किलोमीटर क्या ले रही है, स्पीड से चल रही है, यानी उसमें क्या कर देंगे हम 5 ऐड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे आर मूविंग करेंगे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ, तब हमारी क्या हो जाएगी स्पीड, x प्लस 5। तो टोटल कितनी होगी, 2x + 5 किलोमीटर आवर्स। तो यहाँ पर अपने पास टाइम है 5 आवर्स, टोटल डिस्टेंस है 525 किलोमीटर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये अपनी डिस्टेंस होगी, ये अपनी स्पीड होगी, और ये टाइम हो गया। यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये इसको पहले क्या कर देते हैं हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर 2x + 5, तो कितना आ जाएगा, 8, 2 बचेगा फिर 5, 85 में से हम 5 माइनस करेंगे इक्वल टू 2x, तो कितना बचेगा, 80।
इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू आई अपने पास 40। यानी ये कौन सी है, फर्स्ट कार के लिए है, तो सेकंड कार के लिए क्या हो जाएगी, 40 प्लस 5, तो ये अपनी हो जाएगी सेकंड कार के लिए। अब यही क्या अपना आंसर। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बच गए वो इजी क्वेश्चन है, यानी स्टेटमेंट को रीड करते हुए आपको इस तरह से आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम न्यू चैप्टर एंड न्यू एक्सरसाइज।